तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चलते हुए सब घर पर हैं, और घर पर रहकर कौन खुश नहीं है। वैसे दोस्तों, मजदूरी जो करने वाले हैं, प्राइवेट जो वर्कर हैं या प्राइवेट फैकल्टी से हैं, उनको ऐसी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जान है तो हम पैसा और भी कमा सकते हैं, ऐसा ना कैसे करके ये डिफिकल्ट समय निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट पर आते हैं अपने। दोस्तों, मैं काफ़ी सालों से स्मार्टफोन यूज़र रहा हूँ, और मुझे अनेक ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ता रहेगा। तो दोस्तों, उस प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे से समझाया भी गया होता है, और काफ़ी वेबसाइट ऐसी है जो ऐसा प्रूफ कर देती है कि हम वो समस्या हल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी समस्याएँ होती है जो सॉल्व नहीं हो पाती है व्यूवर को, उस वजह से वो व्यूअर जो होता है वो तंग आ जाता है, और उसे तंग आकर 10-15 वीडियोस देखनी पड़ती है, उसका समय जाता है, उसका इंटरनेट जाता है, तो और फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनका सोल्यूशन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक आज प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम शायद तक आपको आई भी होगी और शायद आगे भी आ भी सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाता हूँ जो आमतौर पर आती रहती है। इसके लिए कुछ यूज़र होते हैं जो तंग आकर हार्ड रीसेट करते हैं या ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको जाना है सेटिंग्स में, देन इसमें ऐप्स को ढूंढना है अपने को। ये रहा ऐप्स, ऐप्स पर क्लिक करेंगे, इसमें हम ढूंढेंगे डाउनलोड्स का। उसके लिए शो सिस्टम ऐप्स को अलाउ करना पड़ेगा हमें, या क्लिक करना पड़ेगा। तो नीचे की साइड में डाउनलोड्स मैनेजर और डाउनलोड का ऑप्शन होगा, हमें दोनों को ओपन करना है वन बाय वन। इसमें हम स्टोरेज में जाएंगे, क्लियर डाटा और डिलीट। वापस बैक आएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, क्लियर डाटा, सॉरी स्टोरेज, देन क्लियर डाटा एंड डिलीट। बैक जाएंगे वापस और फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। कहीं भी कोई भी कुछ भी हार्ड रीसेट नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करनी है, और ना ही जो एप्लीकेशन स्टॉप हो रही है उसका डाटा इरेज करना है। दोस्तों, पहले हमारे पास जब डिलीट किया था तब एक पेज खुला था जिसमें लिखा था ऑल ऑफ एप्लीकेशन डाटा विल बी डिलीटेड परमानेंटली। दोस्तों, इसका मतलब है कि ये जो डाउनलोड मैनेजर है ये खुद का एक डाटा बना लेता है जो हमारे लिए बिल्कुल पूरी तरह से यूज़लेस होता है, जिसे हम डिलीट कर दें तो कुछ नहीं होगा, वही चीज़ है ये। इसमें बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, आपकी जो फाइल्स डाउनलोड हुई है या पिक्स वगैरह है वो डिलीट नहीं होगी। हाँ, इसके अलावा कोई और कोई एप्लीकेशन यूज करते हो आप, जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, उसमें ये डिलीट क्लियर डाटा करोगे या जो एप्लीकेशन स्टॉप हो रही है उसमें करोगे तो उसका डाटा सारा डिलीट हो जाएगा, मतलब वापस से उसको शुरू से करना पड़ेगा, आपका बैकअप वगैरह सारा चला जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आपको यही करना है, डाउनलोड्स मैनेजर का डाटा और डाउनलोड का डाटा इरेज करना है, कोई लॉस नहीं है इसमें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि जब भी आप ये चीज़ भूल जाओ और आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप लाइक लिस्ट में जाके वीडियो को वापस से देख सकते हैं। फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।